नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स विभाग ने कल लालू प्रसाद यादव के बच्चे और पत्नी राबड़ी देवी से जुड़ी जो 12 प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया है। कल सुशील मोदी ने आरोप जो लगाया था वो आपको बता देते हैं। आरोप ये था कि पटना में राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 18 फ्लैट अपने नाम करवाए। इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह पटना के उस बिल्डिंग तक पहुंचे जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लालू राबड़ी का मकान है। बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर लालू और उनका परिवार जिस तरह से सुर्खियों में है, और ये अपार्टमेंट है ये खास इसलिए है, सूत्रों की माने तो ये जो मिर्शिया देवी लालू प्रसाद यादव की मां है और उनके नाम से ये पूरी अपार्टमेंट है, और इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा फ्लैट हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आधा जो फ्लैट है उसमें ये लालू प्रसाद यादव की इसमें हिस्सेदारी है, राबड़ी देवी की हिस्सेदारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लालटेन का भी चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पूरी तौर पर जो फ्लैट का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं इक्के दुके ही यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ये इस बिल्डिंग के गार्ड हैं। आप अपना पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हरिनंदन प्रसाद। हरिनंदन जी, क्या यहाँ पर आते हैं? राबड़ी देवी जी आती हैं तेजस्वी? हम नहीं देखे हैं कभी। हम 3-4 वर्ष से आए हैं सर, नहीं देखे हैं। और बिका है कि नहीं फ्लैट अभी हम न जानते हैं। तो अभी लोग आए थे, वही सब बोल रहे थे, तो हम कहे कि कोई नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर कौन आता है? कोई आता है, कोई खरीदने के लिए आता है, तो कौन जानकारी देगा? तो कौन जानकारी देगा? अब हम बताते हैं कि ना कोई नहीं है। कितना फ्लैट है इसमें? अब हमारा यही मालूम नहीं है अभी जी। तो आप अंदर ही रहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लैट है यहाँ पर लोग इक्के दुके यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं। कितना फ्लैट है इसमें? अब हमारा यही मालूम नहीं है अभी जी। तो आप अंदर ही रहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लैट है यहाँ पर लोग इक्के दुके यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, गार्ड हैं, और इस तरह से जो यहाँ पर निर्माण जो हुआ है 18,652 स्क्वायर फीट पर, ये जो है पूरी तौर पर ये जो फ्लैट है उसका निर्माण हुआ है। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा इसमें फ्लैट हैं, और ये फ्लैट इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये जो बिल्डिंग का निर्माण भी जो जिस तरह से हुआ है उसमें कहीं न कहीं जो है गलत तरीके से पैसे का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। तो आप देखिए कि आप इसे संयोग कहें या कुछ और कहें, लेकिन आपने पटना के जिस घर से हमारे सहयोगी राकेश सिंह की रिपोर्ट देखी उसके दरवाजे पर लालटेन का निशान बना था जो कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। इतना ही नहीं, घर पर मां मर्छिया देवी कॉम्प्लेक्स भी लिखा है। मर्छिया देवी लालू प्रसाद यादव की मां का नाम है। राकेश सिंह पटना में उस निर्माणाधीन मॉल तक भी पहुंचे जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का है। वहां की जानकारी दे देते हैं। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर इनकम टैक्स और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। खास बात यह है कि बेनामी प्रॉपर्टी के चलते ये परिवार सुर्खियों में है, और मैं खड़ा हूं ये पटना में, ये बिगेस्ट मॉल इन बिहार ऐसा कहा जा रहा है। ये मॉल किसी और का नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी माता राबड़ी देवी का है। और खास बात यह है कि ये जो मॉल जिसका निर्माण किया जा रहा है 115 कट्ठा जमीन पर 7,66,000 वर्ग फुट का ये बनाया जा रहा है, और इस पर निर्माण की जहां तक बात किया जाए करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल का निर्माण किया जा रहा है। और इस मॉल का निर्माण
मेरिडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मेरिडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये क्या तेजस्वी आते हैं कभी? ओ, हम सर मेरिडियन कंपनी के सुरक्षा गार्ड हूँ सर, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तेजस्वी अब कोई नहीं आते हैं सर। पहले आए थे? ओ, कभी देखा हूँ सर, हम कभी नहीं देखा हूँ। हमको 6 महीने आया हुआ है, अब 4-5 महीने से काम बंद है सर। बस सर यही मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये कंपनी किसका है? ये मेरिडियन कंपनी की तरफ से हो रहा था सर। ये दुजाना साहब का है? हाँ, दुजाना साहब की तरफ से बढ़ रहा था। मेरिडियन कंपनी बना रही थी सर। हाँ, ये केंद्र सरकार जो पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगाई, उसके बाद यहाँ पर काम बंद कर दिया गया। अब सर क्या मैं जानता ना हूँ, लेकिन हमारा कंपनी बताया कि बंद काम है, तो 6 महीना से काम बंद है सर। तो ये साफ तौर पर सुन सकते हैं, ये मेरिडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं। और पहले ये देखिए किस तरह से भव्य यहाँ पर मॉल का निर्माण किया जा रहा था। और यहाँ पर जो कंपनी के लोग हैं, उनका कहना है कि 12 मंजिल इसका निर्माण किया जाना था, और इसके साथ साथ 2 मंजिल बेसमेंट का भी निर्माण था। और इस मॉल में 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस टावर तथा 1000 दुकानें बननी थी। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मॉल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये तेजस्वी यादव इसके जो मॉल है उसके मालिक हैं। और इसमें जिस तरह से पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का निर्माण स्टेट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रारंभ कर दिया गया था। और जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, और आरोप इसलिए संगीन हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज बरदाव यादव के पास जो है वन विभाग है, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी अनुमति से इसे बनाने का जो है पूरी तौर पर अनुमति दिया गया। लेकिन भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 15 मई 2017 को साफ तौर पर निर्देश दिया कि तत्काल इस पर निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। और जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य मॉल का निर्माण किया जा रहा था, और अब यहां पर देख सकते हैं कि जहां जो बालू, सीमेंट, और यहां पर देखिए कि किस तरह से जो निर्माण कार्य को अभी तत्काल पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर इसे रोका गया है। लेकिन इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार, क्योंकि ये मामला बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है, और इस मॉल को लेकर न केवल पटना में बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन मनीष के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। राकेश कुमार ने मॉल के बाहर जो सच देखा वो आपके सामने पेश किया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वो गए मॉल के अंदर तो क्या कुछ पाया वो देखिए। पटना का ये मॉल सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ये मॉल कहा जा रहा है। और मैं यहां पर आपको ये मॉल के जो यहां पर मॉल का निर्माण कार्य कुछ दिन पहले तक चल रहा था, और मैं अंदर से आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिरकार ये मॉल क्यों, आखिरकार इसमें साफ तौर पर जो इश्तेहार में लिखा हुआ है कि सबसे बिहार में सबसे बड़ा मॉल, ये मॉल क्यों नहीं बड़ा कहा जाए, आप खुद देखिए। क्योंकि ये मॉल जो है करीब 115 कट्ठा जमीन पर 7,66,000 वर्ग फुट में बना हुआ है, और इस पर निर्माण कार्य चल रहा था। करीब इसमें करीब लागत 750 करोड़ रुपए का ये लागत इस मॉल के निर्माण में कहा जा रहा है कि लग रहा था। और ये 12 मंजिल प्लस 2 मंजिल बेसमेंट सहित इस मॉल में 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस टावर तथा 1000 दुकानें बननी थी। लेकिन जो पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर जो है इससे रोक दिया गया, और इसको लेकर कहीं न कहीं सवालों के घेरे में हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव हमारे साथ यहाँ पर जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, हमारा कभी नहीं हुआ है। लेकिन आपने मैंने सुना था कि आते हैं? यहाँ नहीं आते हैं, नाम सुना हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, जमीन का मैं नहीं जानता हूँ कि इन्हीं का। हम तो मेरिडियन कंपनी से लगा हूँ। हाँ, कर्मचारी लोग कहते होंगे कि नहीं, कोई नहीं बताते हैं कि उनका है। हम नाम सुना हूँ कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, लालू जी का बच्चा है। ये पता नहीं है कि उनका जमीन है। नहीं सर, नहीं बताया हूँ कि मैं ये आते थे। नहीं, इस जगह पर मैं नहीं देखा। तो कल इनकम टैक्स ने दिल्ली में मीसा भारती के एक फार्म हाउस को अटैच किया। इंडिया न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन उस फार्म हाउस के बाहर गए, वहां की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के डी ब्लॉक का प्लॉट नंबर 1088, ये वही प्लॉट है जिसे आईटी डिपार्टमेंट ने सीज किया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार और उनके बेटे तेजस्वी, साथी चंदा और रागिनी यादव की जो 11 बेनामी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज की है, उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के डी ब्लॉक की 1088। आप देख सकते हैं इस प्लॉट पर अभी हाल फिलहाल के अंदर ही ये इतना बड़ा बंगलो बनाया गया है जिसकी अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मार्केट वैल्यू जो है करीब इसकी 40 करोड़ के आसपास है। हालांकि एबी एक्सपोर्ट्स जिस कंपनी के जरिए ये बेनामी डील की गई थी इस प्लॉट के लिए, उसने 5 करोड़ रुपए की कीमत पर इसको बेचा, जिसका सीधा सीधा फायदा था वो तेजस्वी यादव, साथ ही जो चंदा और रागिनी लालू प्रसाद यादव की बेटी है उनको सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचा। करीब 11 प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया है, जिनमें दिल्ली में एक बिजवासन का फार्म हाउस भी है। तो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा खुलासा हमने कर दिया। इस पर अपडेट लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन